ब्रेकिंग में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं करंट टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक है हैं और जैसे यह मसला बढ़ता चला जा रहा है, उस पर अमेरिका की तरफ से भी है। तो उनकी तरफ से क्या स्टैंड आया है और उसकी इम्प्लिकेशन क्या है इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन जर्नलिस्ट एंड सीनियर पोलिटिकल हामिद सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आपका शुक्रिया सर आप भी जानते हैं जो कुछ दिन से तीन चार दिन से ये चल रहा है पहले हमारी तरफ से आर्मी चीफ की तरफ से वहां पर सेफ हेवन के मुताबिक कहा गया और फिर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दोहा एग्रीमेंट पे बात की गई कि उस पर वो पासदारी नहीं कर रहा अफगानिस्तान वार्निंग की तरीके से हमने भी उनको ये कहा काफी भारी भरकम भार अल्फाज में फिर अफगानिस्तान की तरफ से भी एक रूड बिहेवियर यानी एक लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की गई उन्होंने कहा कि आप कौन है क्योंकि दोहा एग्रीमेंट में तो हमारा जो है वो अमेरिका के साथ है आप तो उसमें है ही नहीं। अच्छा उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से कल के रोज एक आया कि उन्होंने कहा कि ये जो डिनाइल मूड में है और ये बात कर रहे हैं तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई अब सर अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर एक स्टैंड आया और जो ब्रीफिंग के दौरान आप जानते हैं सवाल जवाब होते हैं उसमें उन्होंने जो बात की एक तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसे अफगान लोग यहाँ पर जो है वो दहशत गर्दी करते हुए मिले हों या बॉर्डर पर या लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ पहले भी थे जो चैलेंजेस दरपेश है और जो दहशत गर्दी हो रही है वो है चैलेंज है और हम अभी भी रहेंगे और चलते रहेंगे अगर आप मुझे इजाजत दें बैरिस्टर साहब तो मैं आपको वो सुनवाई देती हूँ की वो बात थोड़ी Indication Afghan refugees in Pakistan or along that border uh, have, uh, are guilty of acts of terrorism. Uh, and we're grateful to Pakistan for the incredible generosity that they have extended uh, to so many Afghans who are just looking for a safe and secure place to be. And we'll continue to work with Pakistan as we have on their legitimate. Uh, terrorism uh, threats and their challenges and counterterrorism. I'm not going to speculate about uh, an over the horizon uh, event or not. I mean, the president's been clear that uh, we're going to take our seriously our ability to improve our over the horizon, -horizon counterterrorism capability and we we'll use it effectively as we need to use it. Basically, Afghanistan. <laughs> <laughs> जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी की जो एक किस्म की फेलियर है नाकामी है उसको रिफ्लेक्ट करती है अब ये जिन लोगों के आपने हवाले दिए हैं कि फ़्रांस जनरल साहब ने ये कहा और फलां बयान ये है ये लोग जो है ना ये उस वक्त पब्लिकली आके तो किसी इशू पे बात करते हैं जब इशू जो है या तो उनके हाथ से निकल चुका होता है या निकलने वाला होता है हालांकि इस मौजू पे एक जश्ता जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कम से कम डेढ़ दो साल से हमने कहीं प्रोग्राम्स में बात की होगी स्पेसिफिकली पाक अफगान जो रिलेशनशिप है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने जो एक शक्ल इख्तियार की और उसका जो फॉल आउट है उसमे मैं कम अज कम चाराँच दफा तो मुझे याद है कि हम बात कर चुके हैं जिसमें एग्जेक्टली exactly हमने यही डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जो है उसका स्टार्ट है, जो रिलेशनशिप की बिगनिंग है स्टार्ट है अफगानिस्तान के साथ वो रॉन्ग शूटिंग पे है ये हमने डे वन जब अफगानिस्तान में रजीम चेंज हुआ और वहां के जो है गनी हुकूमत वहां से हट गई और उसकी जगह तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसी दिन से हमने ये बिल्कुल वाज किस्म का मौकुफ इख्तियार किया था इसका मतलब अर्गिज ये नहीं कि हमारे पास कोई बहुत सीक्रेट किस्म की इंफॉर्मेशन थी या कोई है या इस तरह की कोई चीज बल्कि ये बिल्कुल आप जिसको कहते हैं ना ऑबियस एक चीज होती है सामने जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा गहराई में जाने या बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं होती बात यह है बिगिनिंग गलत जब किसी चीज की होती है तो आप किस हवाले से भी देखें तो वो उसका जो एंड रिजल्ट है उसको आप पॉजिटिव अंदाज में जो है नहीं ले आ सकते चूँकि वो बुनियादें जो होती हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और खूस फारेन अफेयर्स में अब अफ़गानिस्तान में जो ट्रेजिडी हुई जिसको बाज लोगों ने आज़ादी का नाम दिया बाज लोगों ने अमेरिकन एम्पेलिज़म की शिकस्त का नाम दिया बाज लोगों ने जहाद और इस्लाम की ग्लोरियस किस्म की फतह करार दिया आपने अपने अंदाज में जिसकी समझ में जो कुछ आया लेकिन हमने पहले दिन सिंपली ये कहा था कि ये दहशत गर्दों का एक ग्रोह है जिसने बाज़ोर ताकत अफगान अवाम पे कब्जा कर लिया है और इज़ अनफॉर्चुनेट के जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने या दीगर ममालिक ने जो इसके रास्ते में खड़े हो सकते थे उन्होंने इसके रास्ते में खड़ा होने के बजाय उसको रास्ता दिया और उन्होंने रास्ता इस बुनियाद पर दिया कि उन्होंने ये समझा कि ये जो है फ्यूचर में हमारे साथ जो है वो किसी तरह का को ऑपरेशन करेंगे जो कि एक मिस जो है उनकी कैलकुलेशन थी और हमने उसी वक्त कह दिया था कि ये लोग ऑपरेशन करने वाले नहीं हैं इसमें दुआ एग्रीमेंट हो कोई और एग्रीमेंट हो रिटर्न हो वर्बल हो वो इस चीज़ की कतन कोई परवाह नहीं करेंगे और वो अफ़ग़ानिस्तान में दो तरीक़ों से मैंने अपना कंसर्न शो किया था एक तो ये कि ये जो है अफ़ग़ानिस्तान के अंदर जो अफ़ग़ान अवाम के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं वीमेन के इशू है जो जेंडर राइट्स हैं इन चीज़ों को जो है वो बहुत बुरे तरीके से इन अटैक करेंगे और दूसरा ये है कि ये अफ़ग़ानिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दों को जो है ना एक तरह का शेल्टर फराम करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे इस पे तो दो आरए थी ही नहीं तो पाकिस्तान ने किस बुनियाद पे ना सिर्फ ये है कि उनको आउन किया यानी पाकिस्तान की ये मजबूरी थी इंटरनेशनल जो सिचुएशन बन गई थी कि ओपनली उनको तस्लीम करना जिसको आप कहते हैं और उनके साथ सफारती ताल्लुक एक उनके लिए प्रॉब्लम जरूर था लेकिन उन्होंने उसको आउन किया और उस वक्त के आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो है बतौर उनके एक वकील के तौर पे एक एडवोकेट के तौर पे उनके काज को चम्पियन करने की कोशिश की और दुनिया के डिफरेंट फोरम्स पे प्रेस में इंटरव्यूज में और इवन दो के इवन देन के यूनाइटेड नेशन के फोरम पे उन्होंने इन लोगों को तस्लीम करने की बात की और आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये दिया के जी ये अगर हम इनको तस्लीम नहीं करते तो ये और ज्यादा खतरनाक हमारे लिए साबित होंगे एक और दूसरा ये कि उन्होंने कतई तौर पे इस हकीकत को इग्नोर कर दिया कि ये जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम के वहाँ के खुवान के वहाँ के बच्चों के राइट्स पे जिस तरीके से हमलावर हुए उसको कतई तौर पर उन्होंने ऐसे डिसमिस कर दिया जैसे ये कोई बात ही नहीं बल्कि एक मौके पर तो उन्होंने ये कहा कि जी ये तो जो है उनका अपना मसला है हम कौन होते हैं उनको बताने वाले यानी जो आदमी इस तरह की बात कर सकता है अब इसका मतलब क्या था कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त की जो रूलिंग अलीट है वो इनतई बेसब्री के साथ हर कीमत पर अफगानिस्तान की इस दहशत गर्द हुकूमत के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहती थी और उसको दुनिया से रेकग्नाइज करा के तो उसको एज ए नॉर्मल गवर्नमेंट जो है फ्लोट कराना चाहती थी हुआ उसके लिए आपको ह्यूमन राइट्स पे डेमोक्रेसी पे वैल्यूज पे किसी चीज़ पे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़े और आखिर में जाके जो उनकी हरकत थी कि जो दहशत गर्दों को शेल्टर देने और फैसिलिटेट करने की उसको भी इग्नोर करना पड़े जिसके नतीजे में जाहिर है पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हुई या हो रही है वो जाहिर है उसका इसके साथ बिल्कुल गहरा ताल्लुक है जिसे ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान छुपा रही है ना गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान छुपा रही है अगर उसको गवर्नमेंट कहा जाए मेरे नज़दीक ये जस्ट बंच ऑफ दहशत गर्द हैं इससे ज़्यादा कोई लोग नहीं है कि उनको गवर्नमेंट कहा जाए तो वो तस्लीम करते हैं कि यस ऐसी बात है और माजी में अगर आप इसको क्लोजली देखें तो मल्टीपल टाइम्स में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि ये मूवमेंट जारी है लोग आते जाते हैं कभी उनकी सफाई पेश की कि वो दहशत गर्द नहीं है कभी ये कहा कि वो हमारे अख्तियार में नहीं है और कभी ये कहा कि हम जो है उनको किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तैयार नहीं तो ये सिचुएशन आज नहीं बनी इसने जो नेक्स्ट टर्न लिया कि एक तरफ तो पाकिस्तान इस तरह की बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है कि पहले दिन ही आपका जो इंटेलिजेंस चीफ है वो जाके काबल में चाय पीता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आस्ता- आस्था जो है ये जब दहशत गर्दी फ्लोट हुई पाकिस्तान के जो खैबर पख्तनख्वा के मुखलिफ इलाकों में जहाँ पे उस वक्त के जो सीटिंग मिनिस्टर्स थे उनसे एक्सटारशन और ज़बरदस्ती भत्ता लेने की मसालें सामने आई और ये चीज़ें भी सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तान के मुख्त इलाक़ों पर कब्जा किया हुआ है जहाँ पर उनका राज है और कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता तो ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आज कर रहे हैं या जो बयान आज दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये सारे हकायक जो हैं उन्होंने अवाम से छुपाने की सर तोड़ कोशिश की चूंकि ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये आपने पाकिस्तान के ना किसी रवायती मीडिया पे इसको देखा होगा ना किसी अखबार में देखा होगा ना किसी ने इसको तस्लीम किया लेकिन आज आके वो तस्लीम करने पे मजबूर हैं चूंकि अब जो नेक्स्ट फेज इसका होगा उसको वो फेस करने की पोजिशन में नहीं है चूँकि तालिबान ने बड़े क्लियरली उनको जो है अपना स्टैंड और जो एक प्रिडिक्टेबल आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट पोजीशन उनकी जो है वो उनने क्लियर कर दी कि आपकी बात हम सुनने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं नंबर वन और नंबर दो ये जो दहशत गर्दी हो रही है क्रॉस बॉर्डर इसमें जो है हम किसी सूरत में आपसे तावन करने के लिए तैयार नहीं है और ये जिन लोगों को आप दहशत कहते हैं वो दरअसल हमारी तरह के पाकबाज किस्म के मजाज नहीं तो इस सिचुएशन में जब ये रूलिंग एलिट एस्टेब्लिशमेंट स्टक हो गई उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो उन्होंने जो है वो इसलिए ये बात पब्लिक की है कि अब ये बात छुपाना नामुमकन हो गया है इसका जो नेक्स्ट फेज़ होगा उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि ये जो दहशत गर्द हैं इनके पास जदीद हथियार हैं इनके पास जो है वो शल्टर हैं और इनको जो फॉरन गवर्नमेंट्स की जो है वो आशीर्वाद हासिल है तो इसलिए इनके खिलाफ जो है वो बड़ा सीरियस किस्म का एक्शन लेना पड़ेगा तो वो एक्शन जाहिर है कहीं आइसोलेशन में तो नहीं होगा ना ये लोग तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए तो इस हिसाब से उन्होंने ये बामरे मजबूरी इस हकीकत को तस्लीम किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ट्रेजिटी ये रही है कि रूलिंग अलीट और एस्टेब्लिशमेंट हमेशा आवाम से बड़े बड़े हकैक न सिर्फ छुपाते रहे बल्कि अमली तौर पे उन को जो है ना अंडर द कारपेट डालने की जो है वो कोशिश करते रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये जो अफगान कजिया है ये उनकी फेलियर और उनका पॉलिसी का फेलियर उनकी गलत अप्रोच और दहशत गर्दों की तरफ उनकी नरम दिली जिसको आप कहते हैं ना एक तरह की उनका झुकाव उसको रिफ्लेक्ट करती है और उनको अपनी इस गलती पे मैं समझता हूँ कि काम से माफी मांग के तो अफगानिस्तान के बारे में वही रवैया इख्तियार करना चाहिए जो इंटरनेशनली एक मेन स्ट्रीम रवैया है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक वहाँ पे एक इंक्लूसिव किस्म की हुकूमत नहीं बनती है और वहां के अवाम के जो फंडामेंटल राइट हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है वेरी सिंपल थिंग तो बरिस्टर साहब ये अमेरिका ने हमें इस पे सपोर्ट किया है और उनके तालिबान के अफगानिस्तान के खिलाफ बात की है या उनको सपोर्ट किया और हमारे खिलाफ बात की है इस पे आप क्या कहेंगे क्या कहेंगे नहीं ये, ये, मतलब अमेरिका ने आपको कैसे सपोर्ट किया भाई बात तो इसके बरक्स है ना कि अब आप अमेरिका की जो स्टैंड है उसका शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका ने जब आपको सपोर्ट करने की कोशिश की और आपको खबरदार किया कि आप ऐसे ना करें अफगानिस्तान के साथ आप इस तरह एंगेजमेंट नहीं कर सकते जब इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं कर रही है तो आपने उसके बावजूद की तो अब जब जो है वो अफगान आपको गुज्त छ महीने से ओपनली आंखें दिखा रहे हैं एक तो होता है ना कहीं खुफिया तरीके से ओपनली तो आपने भी वही स्टैंड लेने की कोशिश शुरू कर दी जो अमरीकी स्टैंड है तो फिर आपकी सपोर्ट तो नहीं हुई ना ये देखें ये ये वो सिचुएशन है कि जिसमें आप अपनी गलतियां तस्लीम करने और उनकी सबक सीख कर एक नए सिरे से जो है एक जो पॉलिसी अपनाने के बजाय आप उसका जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू करते हैं तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि यही ये यह क्लासिकल एग्जांपल है इसकी यार इसमें जो मैंने एक बात की हम ये देख रहे हैं एक बड़ी कम हो गई बात है कि हमने एक, अब एक नया अलायंस हमने किया जिसमें ईरान अभी गए हुए थे आर्मी चीफ और ईरान और हम इस तरीके से देख रहे हैं इनके साथ हमारा वो बंद है लेकिन इसके बावजूद जब आप देखें ओवरऑल तो हमारे जो करीबी कंट्रीज uh, थे वो अब दुश्मन बने बैठे हैं और इंडिया जो के आपको याद होगा कि जब अफ ये तालिबान आए थे तो इंडिया वहां से निकल गया था चला गया था लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उनसे जब उन्होंने तालिबान ने उनसे बात करनी चाहिए एंगेज किया और और अब ये देखिए कि वहां पे उनके भी भी हैं साथ में वो उनकी ट्रेनिंग्स भी कर रही तो क्या ये ये क्या है यानी हमने ये इसमें भी हम गलत हो गए कि हमने अपने दोस्तों को दुश्मन बना लिया उन्होंने दुश्मनों को दोस्त बना लिया देखें जी बिल्कुल यही बात है और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है ये जाहिर है कि अफगानिस्तान में गुजतर दस पंद्रह साल की आप हिस्ट्री देखें तो उसमें बड़े क्लियरली जो है आपको नज़र आएगा कि किस तरह अफगान इंडिया रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी एक जंप जिसको आप कहते हैं एक बहुत बड़ा एक गर्मजोशी का मजाहरा जो है वो हुआ और जितनी तेज़ी से अफ़ग़ान इंडिया रिलेशनशिप में तेज़ी आती गई इसी रफ्तार से जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रेले, रिलेशनशिप जो हैं उनमें एक तरह का जो है वो जवाल आ, और वो डी रेट होते चले गए जैसे कि आपने देखा कि अफगानी हुकूमत में जिस पैमाने पे इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मुख्तलिफ़ मनसूबों पे काम किया अफ़ग़ान फ़ोर्सेस को ट्रेन किया यानी इस हद तक इंडिया अफ़ग़ान रिलेशनशिप डिवेलप हो गई थी कि वो पाकिस्तान में कोई उसका सफर भी नहीं कर सकता था और दूसरी तरफ सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान के, के खिलाफ वहां पे पब्लिकली जो नफरत का ये आलम था कि पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन बना के पेश करते थे तो इस हवाले से ये देखें ये जब किसी कोई निज़ाम बदलता है चीजें बदलती हैं तो उसके साथ साथ अगर आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर सकते और आप अपने वही सत्तर साल पुराना जो फलसफा है आपका और फेल्ड किस्म की सोच है उसी को अगर आप जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका अशर यही होगा ये मुझे याद आता है कि जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो रही थी ये जो है लोकल सतह पे तो ये जो नंबरदारी जागीरदारी इस तरह के सिस्टम को जब चैलेंज हुआ नए लोग उबर के सामने आए तो वहां पे लतीफे ये मशहूर थे कि इस तरह के लोग अब ये कहते हैं कि जो कुछ हम पहले होते थे अब लोग हो गए और जो कुछ लोग होते थे वो अब हम हो गए <laughs> यानी उसकी वजह ये है कि ये सिस्टम जो है वो जब चेंज हुआ तो उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि ये अब डेमोक्रेटिक दौर है और इसमें अब हमें एक नई पॉलिसियों के साथ नए सिरे से अवाम में सर्वाइव करना है अब पाकिस्तान ने जो है हर मसले पे जो एक उनका एक स्लोगन है या मंत्रा है एंटाई इंडिया ख्वाबो अफगानिस्तान का मसला हो कश्मीर का मसला हो ईरान के साथ ताल्लुक का किसी भी मुल्क के साथ कहीं अमेरिका के साथ उसमें उनके लिए नंबर वन जो है वो वही उन्होंने ब्रैकेट किया हुआ है अपने आप को इंडिया के साथ हालांकि दुनिया ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये ब्रैकेट का जो अमल था इसको खत्म कर दिया था दस साल पहले और उन्होंने को खुफिया तरीके से ख़त्म नहीं किया था बल्कि इसको बाकायदा पब्लिकली अनाउंस किया था उन्होंने वेस्टर्न पावर्स ने कि आज तक हम इंडिया पाकिस्तान को जो ब्रैकेट करते रहे कि ये काम जी इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान में हो रहा है तो इंडिया में होगा कोई डिग्नेटरी कोई पर्सनैलिटी बरसीर में आ रही है तो पाकिस्तान में तो इंडिया में भी जाएगी इंडिया में आ रही है तो पाकिस्तान में ये ब्रैकेट टूट गया था और उसके बाद इंडिया ने अपने लिए जो नई स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उसकी वजह से ये तमाम ताकतवर मुल्क जो हैं वो जाहिर है कि उन्होंने अपने आप को री ओरिएंट जिसको कहते हैं ओरिएंटेशन और ये पॉलिसी को उन्होंने मॉडिफाई किया और इंडिया को उसकी जो स्पेस है जो उसके लिए वो मांग रहा था वो उसको महैया की जिसमें अमेरिका जो है वो सर है तो इसमें आप दूसरे तरीके से देखें तो देखें हुआ क्या है में कि इंडिया का जो स्ट्रेचर था इंटरनेशनल वो राइज हुआ इंडिया ने एक बहुत बड़ा जो है वो जंप लगाया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल किस्म की पोजिशन जो है वो क्रिएट की पाकिस्तान ने उसके अपोजिट जो है जवाल की तरफ सफर शुरू किया नीचे की तरफ उन्होंने जो आपने जैसा कि कहा कि जो चंद एक दोस्त थे और वो भी दोस्त किस किस्म के थे जो इनको आप दोस्त कहते हैं ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है अगर बार बार मुझे इसकी पोस्टमार्टम करना पड़े कि आप हमेशा जो है वो कोई दोस्त जिसको कहते हैं यानी जो लोग आपको पैसे देते हैं और उसमें गिने चुने दो चार मुल्क थे जिसमें एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जिसे सबसे ज्यादा तारीख में आपने जो है मिस्र और इसराइल के बाद सबसे ज्यादा पैसे लिए हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसके बाद सऊदी अरबिया यूनाइटेड अरब एमरेट्स और अभी रिसेंटली जो है वो चाइना से तो ये इस तरह की दोस्ती दुनिया की डिक्शनरी में किसी भी डिक्शनरी को उठा के आप मुझे फ्रेंडशिप या दोस्ती की ये तारीफ दिखा दें कि जिसमें पैसे मांगने वाला जो है जिससे पैसे लेता है उसको अपना करीब दोस्त करार देता है और उन पैसों से जो है वो असलाह खरीद के या अपने आप को जो है वो मिलीटरली मजबूत करके अपने पड़ोसियों को आंखें दिखाता है या वही पैसे जो है वो अपनी रूलिंग या लीड की यशु के लिए और उनकी जो है वो मराहत जो हैं प्रिविलेज जो हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए यूज करता है तो ये दोस्ती की कौन सी शक्ल है इसको दोस्ती अब किसी भी तरीके से नहीं कह सकते अब खुद प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम किया है कि हम जहाँ जाते हैं वो कहते हैं जी चाय पी लें चूंकि बाद में आपने पैसा ही मांगने हैं दे नो तो वाई यू आर कमिंग एंड यू हैथिंग टू ऑफर आप मुझे एक चीज बता दें कि जो आप किसी मुल्क को ऑफर कर सकते हैं वो आपने कर लिया आपने जो है कोल्ड वार के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ऑफर किया कि हम आपको अफराधी कुत देंगे यानी फुट सोल्जर जिसमें 1948 में आपने उनको कहा था कि हमारे पास नब्बे हजार ट्रेन सोल्जर मौजूद है जो इंतई शार्टेस्ट नोटस पे सोवियत यूनियन के खिलाफ किसी भी माह पे लड़ सकता है इसलिए आप हमें अकोमोडेट करें उन्होंने अकोमोडेट किया ये मिलिटरी एताशी टू मिलिटरी अताशी जो है एक्सचेंज था जिसके नतीजे में आपको मिलिटरी एड जो है वो स्टार्ट हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उसके बाद आपने सऊदी अरब को ये लारा दिया कि हम आपको इस्लामी दुनिया का लीडर बनाएंगे तो आप हमें पैसे दें दो तरीकों से सऊदी अरब से पैसे निकाले गए एक मजहब के नाम पे आपका जो क्लैरिक था वो कैशकोल लेके जाके बैठ गया वहां पे कि हमने जी दरसगाह बनानी है हमने यूनिवर्सिटी बनानी है फलां करना है और दूसरा आप जाके बैठ गए कि हम एटम बम बना रहे हैं तो ये आप लोगों का ही बम है बाद में हम आपको ही दे देंगे क्योंकि ये इस्लामी बम है इस चक्कर में आपने उनसे पैसे निकाले उसके बाद चीन से आपने पैसे निकाले कि हम आपका फूड सोल्जर बनने के लिए तैयार हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खिलाफ कोल्ड वॉर में तो आप हमारा ये रोड एंड बल्ट बनाएं और वो करें और ऊपर से आपने कहानी ये शुरू की कि जी हमारी पॉलिसी बड़ी गैर जानबदार है आप इस तरह अगर दुनिया को बेवकूफ समझते हैं मैं समझता हूँ कि ये ड्रामा जो है इसका ड्राप सीन हो गया है एक खबर कल परसों आपने पढ़ी होगी कि आपके स्टेट बैंक ने जो है वो तीन अरब डॉलर थ्री बिलियन डॉलर जो है वो कर्जा दिया है ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन पीरियड के कर्जा नहीं बल्कि इमदाद कह लें किसको दिया पाकिस्तान की जो है वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल जो कि बिज़नेसेस हाई प्रोफाइल कंपनीज और इस तरह की जो लोग हैं जिनके यानी ऑलरेडी जो बिलियनर्स मिलियनर्स में शुमार होते हैं उनको दिया तो पार्लियामेंट की जो अकाउंट कमेटी है उसने उनको कहा कि आप हमें जी लिस्ट दें कि आपने ये थ्री बिलियन डॉलर जो है किन लोगों को दिया तो क्या वो वाक्याई जायज था देना या उसका कोई इम्पेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ा उन्होंने इनकार कर दिया कि ये हम डिस्कलोज नहीं कर सकते ये वो तीन अरब डॉलर है जो आपके अपने बैंक में बैंक ने लोगों में तकसीम किया ड्यूरिंग द कोविड और ड्यूरिंग द कोविड आपका सबसे बड़ा एजेंडे का नंबर वन आइटम ये रहा कि आई आए आप आईएमएफ के पाँव पड़ते रहे कि हमें तीन अरब डॉलर का ये जो किस्तों में

मार्केट इकोनॉमी आपने जो है वो डेवलप की हुई है ब्लैक मार्केट इकोनॉमी आप अयशियाँ कर रहे हैं आपके रेस्टोरेंटों के आगे लाइनें लगी हुई हैं खाने खाने वालों की आपकी एक एक शादी में तीन तीन अरब रुपए की बोली लगाई जामी दी जाती है आपका जो लिबास है गाड़ियाँ हैं ये सारी चीज़ें ये तरक्की याफ्ता दुनिया में ख्वाब समझा जाता है इसको और फिर आप जो है वो प्याला उठा के जिसको आप कशकोल कहते हैं लखनवी जुबान में तो आप जाके कभी वाशिंगटन में बैठे होते हैं और कभी जो है तो ये ड्रामा फ्लाप हो गया मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को इस नुकता न इस एंगल से पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है ये मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा मालियाती फ्रॉड है, है फाइनेशल कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बैंक्राफ्ट हो रहे हैं हमारे पास एटम बम है तो हम अगर बैंक हो गए तो ये आपके लिए नाइटमेयर हो जाएगी इसलिए हमें जो है हमारी जो हमने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है इसको सस्टेन करने के लिए पैसे दें इसको माजब जुबान पार्शन कहते हैं लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये जो कर्ज मांगने के बजाय जो खुद क्यों नहीं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं क्या किसी ने अभी तक जो बिलियनियर्स जो मौजूद हैं उन्होंने किसी ने कंट्रीब्यूट किया या जो बीस बीस तीस तीस लाख तनख्वाहें हैं इसके बावजूद वो बढ़ रही हैं जजेस की और हम ये देख रहे हैं कि सेनेट चेयरमैन के लिए ऐसे पर्क्स करते हैं कि उनकी जिंदगी का दमे मर्ग तक जो है उनको ये, ये दिया जाएगा और सर हम ये भी देखते हैं कि प्रोटोकॉल जो चल रहे होते हैं उसमें बीस बीस गाड़ियां और लैंड क्रूजर से कम कोई हमारा होता ही नहीं

हाथ धुलाने वाला है ये आप क्या मजाक समझते हैं दुनिया में ये दुनिया के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये फ्रॉड जो है ये अब ये नहीं भी ये भी नहीं चलेगा दिस इज द लास्ट टाइम कि ये फ्रॉड जो है काम कर गया है ये मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं सर थैंक यू सो मच फॉर ये प्रेशियस टाइम बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का दोबारा भी आपको शुक्रिया थैंक यू